तो जी हाँ दोस्तों, अब हमारे देश में 13 डिजिट के नंबर जो कि देखने को मिल जाएंगे। अभी तक हम सभी 10 डिजिट के नंबर को यूज़ करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि ये 13 डिजिट के मोबाइल नंबर क्यों बनाए जा रहे हैं और साथ ही ऐसा भारत देश में हुआ है कि नहीं। आगे मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि यही न्यूज़ 4 महीने पहले आई थी, लेकिन कई लोगों ने इसको फेक साबित किया था, लेकिन ये फिर से न्यूज़ जो कि ट्रेंड में चल रही है और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं क्या ये न्यूज़ सच में है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में कई अखबारों ने अपडेट किया, कई बड़े बड़े अखबारों ने, तो आपको भी जान लेना जरूरत है। अगर आप इंडियन फीवर के व्यूअर हैं तो आप लोगों को भी ट्रेंड चीज़ों के साथ अपडेट रहने का पूरा हक है। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि 13 डिजिट के मोबाइल नंबर क्यों अपडेट किए जा रहे हैं और साथ ही ऐसा इंडिया में कब हुआ है। तो दोस्तों चलिए, आप देख रहे हैं इंडियन फीवर चैनल और मैं हूँ रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके इंडियन फीवर चैनल में स्वागत करता हूँ। तो चलिए जानते हैं कि इन 13 डिजिट के मोबाइल नंबर को क्यों अपडेट किया जा रहा है और साथ ही ऐसा इंडिया में कब हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले आपको जान लेना जरूरत है कि क्या अपडेट आई है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है, कई अखबारों ने जिसके बारे में अपडेट किया है। मैं आपको बता दूं कि टेलीकॉम अथॉरिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम जुलाई 2018 से 13 डिजिट के नंबर को अपडेट करेंगे, सारे सर्वर को चेंज किया जाएगा, सारे टेलीकॉम कंपनीज को ये इल्तला किया जाएगा कि वो अपने सर्वर को चेंज करे और जो 10 डिजिट का जनरेट करता था मोबाइल नंबर, अब वो 13 डिजिट का मोबाइल नंबर जनरेट करके दे। दोस्तों ये अपडेट जुलाई तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है और लास्ट जुलाई तक फिर शुरुआती अगस्त तक आप लोग कभी भी सिम खरीदने जाते हैं तो आप लोगों को 13 डिजिट नंबर के साथ मोबाइल नंबर मिलेगा। तो आपको बता दूं कई सारे ऑफिशियल अकाउंट पे अपडेट आ रहा है, बीएसएनएल ने भी अपडेट मारा है कि अब वो लास्ट अगस्त तक या फिर शुरुआत के अगस्त तक आप लोगों को 13 डिजिट के मोबाइल नंबर अपडेट करेगी, वो अपने सर्वर को जो कि चेंज करना स्टार्ट कर रही है। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि टेलीकॉम अथॉरिटी ने कहा है कि जो 10 डिजिट का सर्वर था, अब वो ये जवाब दे रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं बना सकता मैं नंबर, और साथ ही इतने ज़्यादा यूज़र बढ़ रहे हैं कि ये नंबर आने वाले दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए हम 13 डिजिट के मोबाइल नंबर को जो कि जनरेट करके लोगों को देंगे। यहाँ पे आपको बता दूं कि ये सारे टेलीकॉम कंपनीज़ को सूचित कर दिया गया और साथ ही इन्होंने कहा है कि यूज़र्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए हम ये चेंज कर रहे हैं 13 डिजिट के मोबाइल नंबर, जिससे कि आगे हमें कोई दिक्कत ना आए और यूज़र्स को भी दिक्कत ना आए उनके फ़ोन नंबर में और सर्वर कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा ना हो, इसलिए इन 13 डिजिट के नंबर को अपडेट किया जा रहा है। अब जान लेते हैं कि ऐसा हमारे इंडिया में कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि 2002 में एक बार ऐसा हो चुका है, जब फ़ोन का ज़माना हुआ करता था, जब टेलीफोन से हम बात करते थे, तो वहाँ पे हम जब बात करते थे तो कोई भी नंबर हम डायल करते थे तो बीच में 2 लगाए थे, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोड हम डायल करते थे और फ़ोन का नंबर जो हमें मिलता था उसे डायल करते थे, जो कि 6 अंकों का होता था, तो वहाँ पे फिर हम बीच में 2 लगा करके कॉल किया करते थे। आपने अगर कभी कॉल किया होगा टेलीफोन नंबर पे तो ज़रूर ये काम किया होगा, जिससे कि कॉल सर्वर को कनेक्ट करने में आसानी होती थी। उस समय सर्वर को चेंज करके 7 अंकों का बनाया गया था, जहाँ पर 2 को मान्य किया गया था, इसलिए वहाँ पर बीच में 2 लगाया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों अब 13 डिजिट में 3 डिजिट जुड़ेंगे, अब वो 3 डिजिट आगे जुड़ेंगे या फिर पीछे, अब ये कंपनी बताएगी, टेलीकॉम अथॉरिटी आप लोगों को जुलाई के शुरुआत में बता सकती है और जुलाई के लास्ट में, इन दोनों में कभी भी बता सकती है, लेकिन आप लोगों को जैसा अपडेट आ रहा है अगस्त तक या फिर जुलाई के लास्ट तक 13 डिजिट के मोबाइल नंबर जो कि देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी अपडेट जो कि बड़े बड़े अखबारों ने किया, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके बारे में अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर न्यू व्यूअर हैं इस चैनल पे, अभी नए आए हैं, तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना, जिससे कि हमारी कोई और वीडियोस अपलोड हो तो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो से सबसे पहले जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी इसके बारे में बता ही दीजिए कि 13 डिजिट का मोबाइल नंबर जो कि लॉन्च होने वाला है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की और जानकारी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।